सर ये बताइए, ये गौशाला में जो गाय मर रहे हैं किस कारण से मर रही हैं? ये गौशाला में गाय कुछ वृद्ध हैं जो मरी हुई हैं, दो जो है एक बीमार है तो उसका जो है इलाज अभी डॉक्टर बाई से किए हैं, और एक को जो है सांड ने जो है मार दिया था तो इसलिए जो है घायल हो गया। आज कितनी गाय मरी? आज जब मरी क्या, एक जो है तो मरी है मतलब जो है, और दो थे बीमार हैं। सुबह भी कुछ जानकारी सूत्रों के हिसाब से मिली कि चार गाय मरी थी? नहीं, सुबह कोई गाय नहीं। नहीं, हमारे पास वीडियो वायरल हुआ है कि चार गाय को और जेसीबी द्वारा दफनाया गया है। सुबह नहीं मरी कोई भी गाय जो है, यही है मतलब जो है। तो सुबह दफनाया नहीं गया गाय? नहीं। आपका नाम? ब्रजेंद्र। पद आपका? ग्राम पंचायत अधिकारी। ये कौन सा ग्राम में बड़ा है? ये रेरा। रेरा, रेरा। यहाँ के प्रधान? प्रधान श्री श्रीमती मीना देवी हैं। ये बताइए, यहाँ गायों की समुचित व्यवस्थाएं हैं चारा वारा के लिए? क्या व्यवस्थाएं हैं चारा के लिए? गोपालक रखे गए हैं तो उनका मानदेय भी अपने स्तर से प्रधान जी जो है उपलब्ध कराते हैं। शासन से अभी मानदेय के लिए बात चल रही है, जब शासन अनुबंध कर देगा तो उस हिसाब से उनको मानदेय जो है उपलब्ध कराया जाएगा। तो अभी तक इन लोगों को मानदेय नहीं मिला जा रहा? मिला है मानदेय कुछ अपने स्तर से प्रधान जी जो है इनको दे रहे हैं। नहीं तो इनको कहना है कि अभी तक हमको मानदेय नहीं दिया गया कुछ? नहीं, ये गलत बात है, इनको मानदेय कुछ ना कुछ उपलब्ध कराया गया है, और जब मानदेय शासन से अनुमन होगा तो फिर मतलब जो है उपलब्ध होगा। आप ना बोलिए, ये बताइए। हाँ, ये कौन सा बाड़ा है? ये बाड़ा रेरा, रेरा के नाम से है। तो ये बताइए, इसमें कितनी गायें हैं? इसमें 91 गाय हैं। तो ये बताइए, इसमें कई गायें बीमार रहे, किस कारण से बीमार हुई हैं? अब कारण यही है कि कोई तो वृद्धा से बीमारी है, बूढ़ी हो गई हैं, वो गिर पर के बैठ गए तो बैठ गए, उठा देते हैं सर तो खड़ी नहीं होती। हाँ, ठंडी भी कुछ आ गई है, और उसके बाद में दो गाय बीमार थी, एक गाय अभी उसका कान फट गया है, सांड मार दिया, उसके कान से खून पूरा निकल गया, वो भी ख़त्म हो गया। तो कितनी गाय मरी? और आज के पीरियड में तो हमारे सामने बस यही एक गाय थी। लोगों को कहना है कि कई गाय मरी हुई हैं, आज सुबह जेसीबी द्वारा दफनाया गया है। हाँ, ये सही है या झूठ? ऐसा हम लोग यहाँ के आदमी थे, अपनी कुछ गुरुवारी पिछड़वारी कर लेते थे तो उसके बाद में आते थे। हाँ, यहाँ आए पर हम लोगों को बस इतना जितना है। आप गौशाला में नियुक्त हैं, आप हाँ, देख रेख कर रहे हैं। हाँ, तो आपको समझ ये जानकारी होनी चाहिए कि आपकी बाड़े में कितनी गायें मरी हैं आज की डेट में, कल कितनी मरी थी, इसकी जानकारी बताइए। हाँ, इसकी जानकारी परसों 900 दूठी बनी रही जाना, और आज एक ठेये मरा है हमारे सामने की बात होकर, और उसके पहले जो कुछ हुआ हो हम नहीं बता। आप कितने दिन से हैं? हम लोग तो हैं 8 महीने से, मई 2 मई से। तो लगभग यहाँ कितनी गाय मरी चुकी होंगी तब से? अरे यहाँ से कम 20-25 गाय से कम न। चारे वारे की क्या व्यवस्था है? और चारे की व्यवस्था भूसा है, ये बराबर यहाँ गायों की चारा के लिए व्यवस्था है, पूरे बाहर पे भोजन पा रही हैं, चूनी चोकर कुछ। आपका पसंदीदा चैनल प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज स्टार टीवी पे उपलब्ध है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज चैनल की खबरों को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।